मेरे पास वक्त बहुत कम है, पैसे थोड़े कम है और ट्रैवलिंग के लिए जुनून हद से ज्यादा। अगर आप भी मेरी तरह सेल्स लाइन से है तो आपको पता होगा कि हमारी फील्ड में कितनी भागा दौड़ी होती है और हमें खुद के लिए और खुद के शौक के लिए टाइम कितना कम मिल पाता है। मैंने ये वीडियो सबके लिए नहीं बनाया, मैंने ये वीडियो वो 100 में से एक इंसान के लिए बनाया है जो ट्रैवलिंग के लिए कुछ भी कर सकता है मेरी जैसा। मैंने अपने सफर की शुरुआत तो कर दी और अगर आपको आपके भी सफर की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले इस ट्रेन की टिकट आपको बुक करनी होगी जो कि इजीली अवेलेबल है IRCTC एप्लीकेशन पे। ये ट्रेन आपको दादर स्टेशन से पकड़नी होती है और ये ट्रेन का जो टाइमिंग है ये रात के 11:50 का, लगभग 7.5 घंटे में ये आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन केवड़िया तक पहुँचा देगी। अब बात करते हैं टिकट की, तो जो सबसे चीप टिकट है वो 180 रुपीज़ की है जिसमें आप बैठे बैठे केवड़िया तक जा सकते हो एंड जो स्लीपर क्लास है वो आपको 320 रुपये की आएगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये एंड अगर आप एसी में जाना चाहते हो तो 3-tier AC है इसके अंदर जिसकी टिकट आपको 800 रुपीज़ की आएगी। और जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया मैंने अपनी अपर स्लीपर सीट पकड़ ली और अपने बैग को तक किया और स्वेटर को कंबल बना के कुछ देर सोने की कोशिश की। टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 20 डिग्री और बहुत ठंडी है, मुझे बोलने के लिए भी सही नहीं हो रहा है और इतनी ठंडी रहती है कि आप सही से सो नहीं पाओगे यार, बहुत ठंडी रहती है। तो अगर कभी भी आप केवड़िया आओगे तो अगर ट्रेन से आ जाओ तो मेक श्योर के एक कंबल ज़रूर लाओ। टाइम हो चुका था 7:30 और केवड़िया स्टेशन आने वाला था और जैसे ही मैंने अपनी विंडो से बाहर देखा तो केवड़िया ने कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से हमारा स्वागत किया। फाइनली केवड़िया के अंदर 7:30 घंटों का सफर ट्रैक करते हुए और रात को इतनी ठंडी से लौटते हुए टाइम पे पहुंचा दिया, एकदम टाइम पे पहुंचा दिया। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ठंड है एंड थैंक गॉड मैंने ये डीकैथलॉन का स्वेटर पहन के आया हूँ तो लाइक इतनी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन जो मेरी उंगलियाँ हैं ना ये बहुत जम गई है एंड जो स्टेशन है वो तो यार माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाया जाए, लाइक सब एकदम नया नया ये स्टेशन पे। अगर आपकी आप बेंच भी देखोगे ना तो स्टिकर भी नहीं निकला हुआ है, देखिए ये बेंच का स्टिकर भी अभी तक नहीं निकला हुआ है। ये स्टेशन की एक सबसे बेस्ट बात है कि ये स्टेशन को पूरे इंडिया के अंदर ये एक अकेला ऐसा स्टेशन है जिसको प्लैटिनम प्लस सर्टिफिकेट मिला है। प्लैटिनम प्लस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि ये अपनी जो भी एनर्जी है लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया या ये जो ट्रेन है ये धोने के लिए पानी हो गया ये सब के सब जो है ये रिसाइकल करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सोलर पैनल से ये जनरेट करता है और इसके अंदर जो पानी यूज़ होता है ट्रेन के अंदर बहुत पानी यूज़ होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लीटर एक ट्रेन के अंदर पानी यूज़ हो रहा है तो वो एक लीटर को ये फिल्टर करके 800 ml वापस से यूज़ करता है, मतलब जो टोटल वेस्टेड है वो सिर्फ 200 ml होता है। तो इस हिसाब से ये लाइक हर इंडिया का स्टेशन ऐसा ही होना चाहिए। तो चलो आगे और भी देखते हैं कि और क्या क्या मिलेगा हमें एंड क्या क्या चीज़ यहाँ पे और इंटरेस्टिंग है, चलो फाइंड आउट करते हैं। ये यूनिटी के लिए है ना फ्री बस? यूनिटी के लिए किधर से? अच्छा आएगी क्या? जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे एक नेचर
सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई है। एक बहुत बड़ा हमारा देश का झंडा है। अभी तक मेरी बस जो है वो अभी तक आई नहीं है। यहाँ पे देखो दो तीन बस होती है। वो जो सामने बस आप जो देख रहे हो वो टेंट सिटी की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो फ्री बस है, एसी वाली बस है, बहुत अच्छी बड़ी बस है। वो आने के लिए थोड़ा सी टाइम है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ही ऐसे निकलेंगे। आसपास में खाने की जगह कोई भी नहीं है, जैसे कि आपने गुजरात टूरिज्म देखा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास जितनी भी अट्रैक्शन है सबके सब 8 बजे से स्टार्ट होते हैं। तो अभी तकरीबन 8 बज चुके हैं, 7:30 की यहाँ पर ट्रेन आती है एंड बस आते आते तकरीबन 8 बज जाते हैं। एंड तो उसके बाद ही सारे के सारे अट्रैक्शन शुरू होते हैं। एंड यहाँ पे बाहर भी कुछ ऐसा है नहीं खाने पीने के लिए। एक मतलब बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन खाने की फैसिलिटी अगर यहाँ पे होती ना तो बहुत मज़ा आ जाता। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आजू बाजू कोई तो खाने की जगह होनी चाहिए थी, बिकॉज स्टेशन से जब हम उतरते हैं ना तो बहुत भूख लगती है। और स्टेशन के अंदर भी मुझे कोई ऐसी चीज़ मतलब कोई ऐसा शॉप नहीं दिखा जो आपको कुछ मैं खा सकूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया और आपको जैसे ही खाने पीने की बात कर रहा था, वैसे मेरे सामने नज़र गई और वहाँ पे लिखा था फूड प्लाजा करके। तो ये है फूड प्लाजा, ये IRCTC का ही आया हुआ होटल है, जहाँ पे आपको जो इंडियन रेलवे की कैटरिंग है वहाँ से आपको जो फूड है वो आप खा सकते हो। एंड अभी तक ये बना नहीं है फिलहाल, होटल पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन जो कुकिंग फूड है जैसे कि इडली डोसा वड़ा ये सब नहीं बन रहा है। सिर्फ चाय कॉफ़ी और जो बिस्किट नमकीन है सिर्फ वो ही है। तो आई होप के जब मैं आगे अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ आऊँ तब तक ये बन जाए। और जैसे हम स्टेशन से उतरे और वहाँ पे बस का वेट करने से अच्छा है कि यहाँ पे बैठ के कुछ मज़ेदार खा सके। यहाँ पे स्टेइंग फैसिलिटी बहुत अच्छी दी गई है। अगर आपको रुकना है तो आप जो मेरे पीछे देख सकते हो सरदार सरोवर रिसोर्ट, आप वहाँ पे भी रुक सकते हो। ये एक बहुत ही लेविश और बहुत ही अच्छा होटल है। द फन एक होटल चेन है, ये उसने बनाया है, तो उसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। बट यस, उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस भी वैसा रहेगा। अगर आपको एक अफोर्डेबल रूम चाहिए, अगर आप दो जने और एक बहुत ही अफोर्डेबल रूम लेना चाहते हो, तो यहाँ पे बजट स्टे है, जहाँ पे बहुत अच्छा बहुत अफोर्डेबल मतलब 1000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा अगर आपको स्टे करना है यहाँ पे तो। बट आपको पता है कि एक मिडिल क्लास मैन और उसकी छुट्टी पैसे, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ, तो उसके हिसाब से स्टे करना तो बहुत दूर की बात है। स्टे नहीं कर सकता हूँ मैं, तो मुझे तो आज ही निकलना होगा। तो बातों बातों में हमारी बस भी आ गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। अगर कोई भी बस के आगे आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ब्रांडिंग दिख रही है तो समझ जाओ कि वो फ्री बस है। एंड जो बस भी है वो बहुत ही लग्जरी है, एसी वाली बस है, आराम से आप जा सकते हैं। और केवड़िया स्टेशन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए हार्डली 5 से 6 मिनट लगते। तो इसी के साथ मेरा जो पार्ट 1 है ये ख़त्म होता है यहीं पे। अगर आपको ये ब्लॉग किसी भी कारण से अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली जगह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की